कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को उत्तराखंड पहुंचे हैं। उन्होंने मंगलौर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया, कहा कि मोदी सरकार दो हिंदुस्तान बना रही है, एक अरबपतियों का और दूसरा बेरोजगारों का। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को लगता है कि सब उनसे डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। कहा कि मुझे उन्हें देखकर हंसी आती है। राहुल गांधी ने कहा कि एक साक्षात्कार में पीएम मोदी जी ने कहा था कि राहुल नहीं सुनते। क्या आप समझ गए कि इसका क्या मतलब था? इस मतलब ये हुआ कि ईडी सीबीआई का दबाव राहुल पर काम नहीं करता। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों के लिए देश में जगह नहीं है। चीन ने भारत की जमीन दबाए, लेकिन नरेंद्र मोदी उस पर नहीं बोलते हैं। मोदी ने नोटबंदी कर देश को बर्बाद किया है। कहा कि जब नोटबंदी हुई तो क्या कोई अरबपति लाइन में लगा? क्या कालाधन बंद हो गया? पीएम मोदी ने जीएसटी लागू कर काम धंधे ठप कर दिए, जिससे युवा बेरोजगार हो गए। कहा कि कोरोना आया तो मोदी बोले थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ, ये मोदी की सच्चाई है। कुछ दिन पहले लोकसभा के भाषण में मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार दो हिंदुस्तान बना रही है, एक हिंदुस्तान अरबपतियों प्राइवेट हवाई जहाज का, मर्सिडीज गाड़ी का, अमीर हिंदुस्तान में जो भी आपको चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, पोर्ट चाहिए, कोई भी बिजनेस चाहिए, आप ले सकते हो, मगर अरबपति होना पड़ेगा। अगर अरबपति नहीं हो तो उस हिंदुस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं है। भाषण में मैंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने देश को बांटने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया, और मैंने चीन के बारे में बोला कि चीन की सेना हिंदुस्तान की जमीन के अंदर आज बैठी है, मगर नरेंद्र मोदी उसके बारे में कुछ नहीं कहते। लंबा भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने। भाषण में कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने गलत बोला, मेरे बारे में तो बोलते ही हैं। पूरा का पूरा भाषण उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में अपना समय दे दिया। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, देखा आपने? उसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सुनता नहीं है। उस लाइन का मतलब आप समझे? मैं बताता हूं, उस लाइन का मतलब यह है कि राहुल पर ईडी और सीबीआई बहुत भयंकर बीमारी है, ध्यान से रहना। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ, और जब थाली नहीं बजी तो कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। ये नरेंद्र मोदी की सच्चाई है। यहां पे उत्तराखंड में जैसे आपके काजी निजामुद्दीन ने कहा, कोरोना के समय आपकी सरकार कहां थी? जब आपके घर में माता पिता को, बच्चों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, वेंटिलेटर की जरूरत थी, तो आपकी सरकार कहां थी? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने मजदूरों के लिए बस खड़ी कर गलती की, उन्होंने रेलवे टिकट नहीं दिया, बस नहीं दी, और जब कांग्रेस पार्टी पूरा दम लगाकर मजदूरों की मदद करने की कोशिश करती है, वो हमारा काम नहीं था।
हम सरकार में नहीं थे, मगर हमने पूरी की पूरी मदद की। जब हमने बसें तैयार की, यूपी की सरकार कहती है कि ये बस नहीं इस्तेमाल होने देंगे, और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने गलत काम किया। आप अपना काम नहीं करते हो, आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, छीन लिया, जो था वो भी छीन लिया। भाइयों और बहनों समझिए, यूपीए ने 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी में डाल दिया, 23 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी में डाल दिया। भाइयों और बहनों आज के हिंदुस्तान में 100 लोगों के पास, इस आंकड़े को आप सुनिए, 100 लोगों के पास इतना धन है जितना हिंदुस्तान की 40% आबादी के पास है। जो 100 लोगों के हाथ में है वो 40% हिंदुस्तान की आबादी के हाथ में। बात समझिए, पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया है, गरीबों से पैसा छीना, छोटे व्यापारियों से, मिडिल साइज और छोटे बिजनेस वालों से पैसा छीना और उनके अरबपति मित्रों को दिलवाया। यही काम किया है उन्होंने। अब की क्या मदद की मोदी सरकार ने मुझे बताओ? अलग अलग योजनाएं हैं उत्तराखंड को बदलने की योजनाएं हैं, टूरिज्म को आगे बढ़ाने की योजनाएं। एक बार फिर आप दूर दूर से आए, आप मुझे इधर का स्वादिष्ट गुड़ खिलाया। मैं चाहता था गन्ना किसानों की तरफ से है ये आप गन्ना किसानों ने मुझे दिया। मैं चाहता था कि सिर्फ स्टेज पे मैं ना दूं, मैं सोच रहा था कि मैं आपको भी थोड़ा सा गुड़ खिला दूं। तो ये जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये हम काम पूरा कर देंगे। बहुत नमस्कार, जय हिंद।